और ऐसी यात्राएं कभी नहीं की। हिंदू धर्म की यात्रा है, सिख धर्म की यात्रा है, सबकी मेहमान नवाजी होती है। जो अरबीन के सफर में मौला हुसैन के मेहमानों की जो मेहमान नवाजी हुई है, जिंदगी भर में कभी नहीं देखी और ना ही देखने को मिलेगी। मेरे मौला दरगाह ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सिंगेरी अलैहिर्रहमा सियल हुसैनी की बारगाह में खुदाम ख्वाजा सैयद ज़ादगान औलाद हज़रत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी काज़मी सादात करबला की याद में करबला के अलमबरदार हजरत मौला अब्बास अलमबरदार की अलमबरदारी की याद को हमारे बुजुर्गों ने कायम रखा और दायम रखा। सब गरीबों की जिसे आस कहते हैं अब्बास कहते हैं उसे अब्बास कहते हैं। ये मौला अब्बास के आलम आज ही के दिन हरे कपड़े पहने जाते हैं और इमाम जामिन हाथों में बांधा जाता है, फकीरी पहनी जाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम। मुहर्रम है, आज बारगाह गरीब नवाज में मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम की जो कमरे बनी हाशिम है, बनी हाशिम का चांद को कहा जाता है, आपका अलम लेके तमाम खुदाम हजरात पहले यहाँ पर आके इमाम के ताजिए पे अलम मस करते हैं, लगाते हैं और फिर 5 नंबर गेट से बाद नमाज असर, 5 नंबर गेट से सवारी शुरू होती है और मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम के अलम की सवारी, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे अलम अपने हाथ में लेंगे और हर शख्स मौला अब्बास के अलम के साए में 5 नंबर गेट से सवारी शुरू होती है और वो सवारी के साथ में अलम बड़ी इमाम बारगाह में ले जाए जाते हैं और बड़ी इमाम बारगाह में मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम का अलम नसब किया जाता है। तो आज 5 मुहर्रम को अलम की सवारी होती है और तमाम मोमिनीन, तमाम आशिकीन, तमाम अदादार अपने अपने घर से अलम लेके आ रहे हैं और आज इमाम के ताज़िए पर यहाँ पर अलम लगाने के बाद सवारी करके बड़ी इमाम बारगाह ले जाएंगे, वहाँ पे सलातो सलाम होगा, सलाम पेश किया जाएगा। अलम बड़ी इमाम बारगाह में नसब करने के बाद जितने भी लोग सवारी में हैं वो अलम वहाँ पर मस करके सलाम में हाज़िरी देने के बाद
अपने अपने घरों को वहां से अलम ले जाएंगे और आज ही के दिन सबके घरों पर अलम पेश होते हैं। साल में 5 मुहर्रम को अलम पेश किए जाते हैं, फिर साल भर वो अलम घरों में पेश रहते हैं और फिर अगले मुहर्रम को यानी अगले साल 5 मुहर्रम को वो अलम बारगाह इमाम में पेश करने के बाद फिर नए अलम वहां पर पेश किए जाते हैं। अर्श से आई सदा, ऐ मेरे प्यारे अब्बास, ये जहां चीज है क्या आज से हम तेरे हैं। देख अल्लाह ने वादे को निभाया अपने, मस्जिदें इतनी नहीं जितने अलम तेरे हैं। लबैक या हुसैन, लबैक या अब्बास, बस अब लबैक या हुसैन, लबैक या अब्बास कहते हुए अलम बड़ी इमाम बारगाह तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर अपने अपने घरों में वो अलम नसब किए जाएंगे, क्योंकि यही वो फरेरा है, यही वो अलम है जिसके साए में ज़िंदगी गुजरती है और हमारे घर महफूज रहते हैं। आज 5 मुहर्रम है, आज ही के दिन ये हरा लिबास पहना जाता है। कई लोग मुहर्रम की चांद रात से ही पहन लेते हैं, लेकिन 5 तारीख को ये लिबास पहना जाता है और आज ही के दिन इमाम थामिन हाथों में बांधा जाता है और फकीरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की पहनी जाती है। तो बस अब नमाज का वक्त है और नमाज के बाद में अलम की सवारी होगी। मौला अब्बास अलम बरदार अलैहिस्सलाम का अलम लेके 5 नंबर गेट से बड़ी इमाम बारगाह तक जाएंगे। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। किस शेर रन एक तरफ चर के कोहन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद कि रन कांप रहा है। Thank you.
Thank you.
अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला जय पाक जय पाक जय पाक जय पाक जय पाक Yeah.
मल्होत्रा पंजाब से, वो ऐसी तड़प हो रही थी कि मौला अपने कदमों में बुला लो। घर में रोज खाजा साहब से यही गुजारिश होती थी, मौला जल्द बुलाइए अपने कदमों में। अभी यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे हम करबला में पहुंच गए, करबला ही पहुंच गए। और मौला हुसैन अपना अपने कदमों में बुलाइए अरबीन में। मैं पहली बार भी गया था तो इतनी यात्राएं की है मैंने, और ऐसी यात्राएं कभी नहीं की। हिंदू धर्म की यात्रा है, सिख धर्म की यात्रा है, सबकी मेहमान नवाजी होती है। जो अरबीन के सफर में मौला हुसैन के मेहमानों की जो मेहमान नवाजी हुई है, जिंदगी भर में कभी नहीं देखी और ना ही देखने को मिलेगी। मौला बे किया उसे अभी मौला अब्बास अलम बरदार अलैहिस्सलाम के आलम यहाँ पर नसब कर दिए गए हैं। ये जगह मखसूस है जहाँ पे आलम नसब होते हैं। अब यहाँ पे सवारी करके लेके आए, यहाँ पे नसब कर दिए गए। अब यहाँ से मस करके लोग अपने अपने घरों में लेके जा रहे हैं और अपने अपने घरों पर आलम पेश करेंगे। ये बड़ी इमाम बारगाह है, दुआ करते हैं मौला इमाम के सबसे में अल्लाह ताला सबके घर में बरकतें और रहमतें अता फरमाए और आलम के साए में जितने भी घर हैं सब महफूज रहें। मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। सुभान अल्लाह। यहाँ पर जगह जगह गली गली में हर घर में इमाम का रोज़ा, मौला का आलम, तमाम बच्चे जितने भी हुसैनी हैं, जितने भी खुदाम हजरात हैं, सबके घरों के अंदर आलम, मौला का रोज़ा मिल जाएगा। हर जगह सबीले इमाम हुसैन इब्ने अली जारी और सारी है और हमेशा रहती है। जो भी सदका है मेरे हुसैन का, अपनी तो कट रही है सुकून और चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन। यार
सबील हुसैन इब्न अली जारी है, जिसको भी पानी की तलब गारी है, बेशक ये मौला की अता है, हुसैन इब्न हैदर की अता है, शहजादी ये कौनैन का सदका फट रहा है। इनका भी ये लोग श्रीलंका वाले ही है, हर साल आ रहे हैं, बहुत प्यारा काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 राजा साहब की वजह से ये जो सबील बढ़ रही है, अमेजिंग अमेजिंग। ये काम तो हर जगह होना चाहिए और हर रोज होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओए भाई सब गरीबों की जिसे आस कहते हैं, अब्बास कहते हैं उसे अब्बास कहते हैं। ये मौला अब्बास के आलम, इस आलम के साए में जो आ गया उसके सारे आलम दूर हो गए। या सैयदी या अब्बास, सारे रंजो आलम दूर हो गए बेशक। आज मेरे मौला दरगाह ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सिंगरी अलैहि रहमा सियल हुसैनी की बारगाह में खुदा में ख्वाजा सैयद ज़ादगान औलाद हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी काज़मी सादात करबला की याद में, करबला के अलमबरदार हजरत मौला अब्बास अलमबरदार की अलमबरदारी की याद को हमारे बुजुर्गों ने कायम रखा और दायम रखा, इसी को हमारी नस्लें ताबत कायम और दायम रखेंगी। जो नस्लन बादन नस्लन हमको विरासत में यह आज़ादारी मिली है, और लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन की सदाएँ सर ज़मीने अजमेर मौला से बुलंद होती रही हैं और होती रहेंगी, और यहाँ की नस्लें इसी तरह से ये अलमबरदारी करेंगी। ये वही अलम है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान खैबर में मौलाए कायनात को अता किया था, और मौलाए कायनात का अलम जो करबला में वारिस मौला वारिस रसूल सखलैन ने जनाब मौला अब्बास अलमबरदार के हाथ में अलम दिया था, वही अलम है जो गरीब नवाज अलम लेकर सर ज़मीने हिंदुस्तान पर आए, उसी अलम को यहाँ के खुद्दाम सैयदज़ादगान उठाते चले आए हैं और दुनिया को बताते चले आए हैं कि ये अलमबरदारी रसूल पाक के घराने की अलमबरदारी है, दीन मोहम्मद की अलमबरदारी है, जो कयाम कयामत तक होती रहेगी। अजमेर शरीफ में इन आदाब से, इस अदब से इमाम की रोज़े की सवारी होती है, और मौला अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम के अलम की सवारी किस अदब से होती है वो आप लोगों ने देखा है। काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे पास में आते हैं, बहुत सारी जगह से हिंदुस्तान के कोने कोने में ताज़ियादारी होती है, अलम की सवारी होती है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें, कई जगहों के वीडियो हमने देखे हैं कि अलम लेके वो कुछ इस तरह से बेहुरमती करते हैं अलम की, कि जिससे मुनाफिकीन को मौका मिलता है उंगली उठाने का ताज़ियादारी। तो ये अजमेर शरीफ के जितने भी तकरीबात हैं अय्याम अज़ा हैं वो दिखाने का ख़ास मकसद ये है कि आप लोग इसको देख के ये समझें कि जिस तरह से अजमेर शरीफ में गरीब नवाज ने जो आदाब सिखाए हिंदुस्तान में, जिस तरह से अजमेर शरीफ में सवारी होती है, जिस अदब से, वही अदब बाकी रखें और उन्हीं आदाब से इमाम के ताज़िये की सवारी करें, अलम की सवारी करें। इंशाअल्लाह फैज़ान हुसैन इब्ने अली जारी और सारी है, ता क़यामत तक मिलता रहेगा लब्बैक या हुसैन। तो बस अब मगरिब की नमाज़ होगी और फिर उसके बाद में बात मामूल आस्ताना मजलिस होगी, फ़र्श अज़ा पर सौस खानी होगी, तकरीर होगी, तो वो रात को देर तक चलती है। तो इंशाअल्लाह वो अगले वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह वो दिखाएंगे। मौला सलामत रखे सबको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन।